अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो फाइनली गाइस, ड्राइविंग रियल ट्रक सिमुलेटर की मैप की फर्स्ट लुक हमारे पास आ चुकी है। तो कुछ दिन पहले ही डेवलपर ने इस मैप की कुछ पिक्चर हमें दिखाई हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी रिलीज डेट अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। ये एक ट्रक गेम होने वाली है। इसके अंदर आप ट्रक और वैन को फिलहाल तो प्ले कर सकेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें डेवलपर की जानिब से मिली है उसमें ये ट्रक और वैन दो व्हीकल को दिखाया गया है। इसके अलावा और भी कोई व्हीकल होंगी जो ही हमें पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं ये बता दूं, इसकी रिलीज डेट कोई कन्फर्म नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस अभी काम जारी है, काम मुकम्मल नहीं हुआ। जो ही रिलीज डेट के बारे में हमें डेवलपर की जानिब से न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस गेम का मैप कैसा होने वाला है। जो डेवलपर ने हमें न्यू मैप की चंद फोटो भेजी हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गेम में जो मैप होने वाला है उसकी कुछ फर्स्ट लुक इस टाइप की होने वाली है। यहाँ पे आप क्लाउड देख सकते हैं, ट्री देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं। ये दूसरी पिक्चर है, यहाँ पे आप हाईवे देख सकते हैं, ऊपर स्काई देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये तीसरी पिक है, यहाँ पे आप रोड देख सकते हैं, टेक्स्ट ट्री देख सकते हैं, क्लाउड देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट ट्री की क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत हैवी है। मतलब अगर थोड़े थोड़े दरख्त हों तो गेम बोरिंग बोरिंग सी लगती है। इसमें दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, ये आप जो साइड पर देख रहे हैं। तो एक ये पिक है, यहाँ पर भी आप दरख्त देख लें, हाईवे देख लें, डिफरेंट टाइप की आपको हाईवे देखने को मिलेंगी। साइन बोर्ड भी यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मिलने वाले हैं। और ये एक अमेजिंग लुक है, यहाँ पे ट्रैक्स ट्री देखें, बहुत ज़बरदस्त है और ट्री भी बहुत ज़बरदस्त है। नीचे रिवर है और ऊपर ट्री जो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये लुक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ऐसी लुक शायद ही आपको पहले मोबाइल में देखने को मिली। वैसे ट्रैकर ऑफ यूरोपियन वी 3 में जो न्यू मैप आया है ना, एयरोला और ट्रीमोला, दो जो न्यू सिटी शामिल किए गए हैं, उसमें तकरीबन ऐसी लुक आपको देखने को मिलती है। और सेम इसी तरह की लुक आपको इस गेम में भी देखने को मिलने वाली है। इस टाइप का इसके अंदर कुछ सिटी होने वाले हैं, सिटी की बिल्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर क्लाउड भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और एक ये लुक होने वाली है, यहाँ पे भी आप साइड पर टेक्स्ट ट्री देख लें, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको गिराज भी देखने को मिलता है और छोटी ट्रैफिक भी देखने को मिलती है। ये कुछ नाइट है, नाइट फ़िलहाल मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, शायद हो सकता है डेवलपर इसको बाद में इम्प्रूवमेंट करते, लेकिन फ़िलहाल ये इतना इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैप पसंद आएगा। अगर मैप पसंद आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस टाइप का आपको मैप इस गेम में मज़ीद चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये गेम तकरीबन 800 MB के आगे पीछे होने वाली है। मतलब जो हमें इसकी ग्राफिक क्वालिटी के हिसाब से और ट्रक के हिसाब से हमने जो हिसाब किताब लगाया है, इससे तकरीबन 800 MB की ये गेम होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।